वेलकम टू प्लेसमेंट वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज का वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो ऑलरेडी स्क्रीन में चार पांच हमारे पास हायरिंग अपॉर्चुनिटी अभी आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वीडियो के नीचे कमेंट करना तो जरूर से, एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए इंस्टाग्राम लिंक एंड टेलीग्राम लिंक को आप लोग जल्दी से जल्दी फॉलो एंड ज्वाइन कर लो ताकि आप लोगों को कुछ भी जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज या अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसे कि आप लोग देख रहे हो अमेजोन में यहाँ पर ML डेटा एसोसिएट 1 के लिए हायरिंग अभी चल रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये तमिलनाडु चेन्नई में इसका लोकेशन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो भी अच्छे से समझाया दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ओके, बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स डिग्री, अगर आपको आपको पास कोई बैचलर डिग्री है, आप अगर ग्रेजुएट हो ऑलरेडी तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ स्पीक राइट एंड रीड फ्लुएंटली इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपकी प्रोफिशियंसी काफी अच्छी होनी चाहिए। और प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क फ्लेक्सिबल शेड्यूल, शिफ्ट वर्क एरिया इंक्लूडिंग वीकेंड्स नाइट्स एंड और हॉलीडेज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अमेजोन हमेशा से 365 डेज के लिए एकदम से अवेलेबल रहती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अमेजोन में सैटरडे संडे तक कुछ भी नहीं होता है, तो सैटरडे भी जो है मंडे भी वही है। तो हम लोगों का काम है कि 7 ही दिन हम लोग काम करते हैं, तो अमेजोन के लिए ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आप लोग जल्दी से जाके इस पे अप्लाई कर दो क्योंकि बहुत ही अच्छी एक रोल है और अमेजोन जैसे कंपनी में आपका करियर शुरू होना ये तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कंग्निजेंट की तरफ से, अभी एक हायरिंग हो रही है ITPT ऑफ कैंपस हायरिंग फॉर 2024 ग्रेजुएटिंग बैच। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है दो जो लोग 2024 में पास आउट हुए हैं 3 ईयर्स के कोर्स में, ठीक है ना। जैसे कि BSc हो गया, BCom हो गया, ठीक है, BA हो गया, तो ये सारे जो जनरल कोर्सेज है जहां पर 3 ईयर्स के ग्रेजुएशन करना मैंडेटरी है वहां पर आप लोगों के लिए कॉग्निजेंट ने एक अपॉर्चुनिटी रिलीज किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन डेडलाइन 7 अगस्त 11:59 PM, मतलब आज है 2 अगस्त एंड 7 अगस्त को इसका डेडलाइन खत्म हो जाएगा। तो डेडलाइन को दिमाग में रखते हुए आप लोग जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई कर दो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो CTC भी दिया हुआ है 2.52 LPA पर एनम, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लो। और यहाँ पर जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो भी आप लोग देख लो, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल स्किल्स, टीम वर्क, कोलाबोरेशन, गुड टाइम मैनेजमेंट, रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पर आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी लिखा हुआ है, 60% आपको अपने 10th एंड 12th में रहना ही है, और UG में अपने जो भी फाइनल एग्जाम्स दिए हैं सेमेस्टर बेसिस में उस पर भी आप लोगों को 6 CGPA से ज्यादा लाने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख लिए हो। इसके बाद आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना मैंडेटरी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर जो भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू होगा तो क्या क्या जो प्रूफ है आपको रहना पड़ेगा, कॉलेज का ID कार्ड, स्कूल कॉलेज UG मार्कशीट्स, ठीक है, आपको सारे के सारे मार्कशीट्स आपके पास होने चाहिए। टिल फॉर आपका तो 3 साल का है तो मतलब 6 सेमेस्टर तक आपका जो भी मार्क्सिट्स है और साथ ही साथ जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी होता है वो और कॉलेज ID कार्ड भी आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे हनीवेल के तरफ से सिस्टम इंजीनियर 1 के लिए हायरिंग हो रही है। ये आप लोग देख सकते हो ये जो है ये पुणे के लिए अभी आपका लोकेशन दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स भी लिखा हुआ है, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एन एग्रीगेटेड इंस्टीट्यूशन इन टेक्निकल डिसिप्लिन सच एज साइंसेस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। अगर इन चारों में से कोई भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। ये भी एक फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है, ठीक है। आप लोग देख रहे हो आपका एक्सपीरियंस जो होने वाला है मिनिमम 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स तक आपका होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोगों को 12 मंथ का कहीं पे भी एक्सपीरियंस है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक एंट्री लेवल जॉब ही है। इसके बाद सीमेंस की तरफ से सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए हायरिंग अभी चल रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो UI UX में अगर आप लोगों को अच्छे खासे नॉलेज है और आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप लोग कर सकते हो यहाँ पर। हैव एनी टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब अगर आपको कोई भी दो लैंग्वेजेस आते हो और इसके साथ एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल, हैव गुड नॉलेज ऑफ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, रिएक्ट, तो जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट एंड UI UX के बारे में और दो लैंग्वेजेस के बारे में अगर आप लोगों को पता है जो कि मोस्ट अभी लोगों को हो रहे हैं क्योंकि ये ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है, आप लोगों को ऑलवेज अप टू डेट रहना है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जेनपैक की तरफ से मैनेजमेंट ट्रेनी रोल के लिए अभी हायरिंग चल रही है चेन्नई में। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो बैचलर्स डिग्री इन रिलेटेड फील्ड और इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या क्या आपका
नीड है गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस रिटायरमेंट प्लान्स एंड रेगुलेशंस अफेक्टिंग देम नॉलेज, ठीक है, अकाउंट रजिस्ट्रेशन सर्विसिंग फंड्स पे आउट सब कुछ यहाँ पर एकदम क्लियरली मेंशनड है, तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगी, तो यहाँ पर भी जाके आप लोग फ्रेशर्स अगर हो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. तो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल अस विद एंड, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड पुट अस एनी कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड तब तक के लिए बाय.